गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। ये वीडियो आप लास्ट रिहैब से देख रहे हो। लास्ट रिहैब एक नशा मुक्ति का केंद्र है दोस्तों। 10 साल से काम कर रहा है और जो भी बच्चे ज्यादा शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उसकी वजह से जो कुछ भी उनको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डैमेज आ जाते हैं, उन सारे डैमेजेस की रिकवरी करने का काम करता है लास्ट रिहैब। तो जनरली लोगों का परसेप्शन ये होता है कि भाई नशा मुक्ति का केंद्र जो होगा कोई इस तरीके की जगह होगी जहां पे आदमी को भेज दो और उसकी पहले फिजिकल रिकवरी कर दो। तो भाई ये गलत, सबसे बड़ा गलत मिसकंसेप्शन है। रिहैबिलिटेशन सेंटर कोई फिजिकल रिकवरी की जगह नहीं होती है। फिजिकल रिकवरी के लिए अगर आपको जाना है तो आप हिल स्टेशनों पर जाओ। डलहौजी हो गया, ऊटी हो गया, मसूरी हो गया, हिमाचल हो गया, और जिसपे ज्यादा पैसे होते हैं ना तो स्विट्जरलैंड वगैरह भेजा करो बच्चों को। रिहैब सेंटर में कोई फिजिकल रिकवरी बाय प्रोडक्ट है एक तरीके का, कि भाई जब आदमी सही रहना शुरू करेगा, शराब नहीं पिएगा, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसका लीवर, उसकी बॉडी, यहां पे पीटी, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करके इम्प्रूव होंगी। अब लोगों के घर वाले बच्चों को भेज देते हैं यहां पे और उम्मीद करते हैं कि वो नशा छोड़ के ठीक हो जाए। तो ये आधा से ज्यादा ये गलत फहमी मैं आपकी आज दूर कर देता हूं। ये एक लड़का है जिसकी कॉपी है, एक इसका नाम क्या है देखते हैं यहाँ पे। इसको पहले तो यही नहीं पता कि कॉपी में यहां अपना नाम लिखते हैं। खैर चलो, यहां कहीं लिखा हुआ इसने, ये अर्जुन नाम है इसका, अर्जुन। अब देखो दोस्तों, इसने यहां पे जब तक रहा तब तक इसने पढ़ाई लिखाई करी, ये क्वेश्चन आंसर कर रहा है, ये अपने सब कुछ कर रहा है यहां तक। इसकी एक इन्वेंटरी भी पढ़ लेते हैं, चलो कोई सी भी उठा के, ये इन्वेंटरी है। ईश्वर की कृपा से नशे और नशे के विचारों से दूर हूं, इस सुंदर संस्था का धन्यवाद करता हूं। सुबह उठा, बिस्तरा लगाया। सुबह उठकर बिस्तरा लगता नहीं है, बिस्तरा हटता है। फिर चाय पी, नहाया, पीटी करी, ये सब कुछ इसने काम करा। क्लास के थॉट वगैरह पढ़े, बहुत अच्छा लग रहा है इसे यहां पे, सब बढ़िया है। साइन भी कर दिया मास्टर जी ने, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन यह बंदा ज्यादा दिन नशे से दूर रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसे अपनी कॉपी की होश नहीं है यार। ये देखो, इसको यही होश नहीं है कि मेरी जो कॉपी है, जो जिसमें मैं अपनी जिंदगी की पढ़ाई कर रहा हूं, इसने अपनी कॉपी पीछे फिकवा रखी कूड़े में। ये देखो, ये 30-40 रुपए की कॉपी आती है दोस्तों। हम इनको कॉपी देते हैं, पेन देते हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका ये देखो कि आप, ये सुमंत मिश्रा जी हैं हमारे एक, ये भी जा चुके हैं यहां से, इनको भी कहीं से कहीं होश नहीं है कि मेरी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, मुझे आगे क्या करना है। तो ये इतने पेज फालतू छोड़ गए अपने। इसकी माँ आई, इसकी माँ ने कहा अब हमारे घर में काम पड़ गया, जरा इसको लोंडे की शादी वादी करवानी है, और इसकी माँ इसको यहाँ बीच में से ले गई। जो महीने डेढ़ महीने रहा और इसकी माँ इसको लड़ झगड़ के ले गई। तो इससे आप क्या उम्मीद करते कि ये रिकवरी में चलेगा कभी जिंदगी में? कितने दिन चल जाएगा ये? ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 3 महीने, 1-2 महीने ठीक रह लेगा। उसके बाद एक ना एक दिन देर सवेरे फिर से शराब पिएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने जीवन के सुधार के लिए सीरियस नहीं है, और सेम टाइम पेरेंट्स भी नहीं होते इनके सीरियस। इनके पेरेंट्स भी सिर्फ यूं समझते हैं, नशा मुक्ति केंद्र पे भर्ती कर दो, वहां थोड़े दिन पढ़ा रहेगा, ठीक होगा। अबे यार, तुमने तो अपने लड़के को वहां भी भेजा था स्कूल में पढ़ना, मजिस्ट्रेट क्यों नहीं बना तुम्हारा लड़का? तुम्हारा लड़का डॉक्टर क्यों नहीं बन गया? इंजीनियर क्यों नहीं बन गया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? क्योंकि वो तो जिंदगी भर का उसका पैटर्न यही है, उसने कभी किसी चीज को सीरियसली लिया नहीं। जो अपनी कॉपी और किताबों से प्यार नहीं करते यार, वो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होते, चाहे वो कोई भी हो। और कायदा ये बोलता है कि ये 12 कदमों का कार्यक्रम है, ये 1-2 कदम करके घर जाने का कार्यक्रम नहीं है। तो 1 कदम 2 कदम के उसने क्वेश्चन आंसर लिखे, माँ ने देखा मेरा लड़का थोड़ा गोरा चिट्टा हो गया, अब इसकी शादी कराती हूँ, अब ये कराती हूँ, वो शादी के बाद अभी 10-20, 2-4-6 महीने में फिर घरवाली को भी बजाएगा, दारू पिएगा, सर फोड़ेगा, निकम्मा, और नशा मुक्ति की बाद में बदनामी करते हैं कि वहां खाना नहीं मिलता, वहां ये नहीं मिलता, पैसे दे नहीं पाते पूरे इस तरीके के लोग। भाई 4 महीने का ट्रीटमेंट है, 4 महीने के पैसे दो ना। अस्पताल वाले छोड़ देते हैं क्या तुम्हें बिना पैसे दिए हुए? अस्पताल वाले तो आदमी का मुर्दा मर जाए उसकी लाश भी नहीं देते भाई साहब। हॉस्पिटल वाले लाश तक नहीं देते, डेड बॉडी, जब तक पूरा पैसा जमा नहीं कराते। और हॉस्पिटल के अंदर बिल कितना है? एक एक दिन का 50-50 हजार रुपए।
नशा मुक्ति में 5 महीने में साले 20,000 रूपये दे रहे और उसके बाद जो है खा पी के ये कॉपी किताबें पढ़ने के बाद ऐसे फेंक दे रहे, बताओ। तो इन चीजों से हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है क्योंकि एक आदमी जो है समझ ही नहीं रहा चीजों को। और दोस्तों अंग्रेज लोग तो इतने सिंसियर हैं, उन्होंने बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करा और फटाफट सीख के तुरंत रिकवरी में आए। हमारे इंडिया का जो रिकवरी रेट है वो है 0.9% का रिकवरी रेट है, 100 में से 9 बंदे रिकवर हो रहे। क्यों? क्योंकि उनका यही हाल है ना। ये देखो इसने तो अपनी कॉपी का ही हाल बना रखा है, ये सब जा चुके हैं बच्चे, इनको कायदे से अपनी कॉपी ले जानी चाहिए थी, यहां वापिस आना चाहिए था अपने क्वेश्चन आंसर करने के लिए, लेकिन इनके हाल ये हैं। तो आप नशा मुक्ति केंद्रों को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद।